फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने मिमी का ट्रेलर अभी देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। ये बहुत ही स्ट्रांग कहानी होनी चाहिए सरोगेसी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली मूव भी करेगी। लेकिन जिस तरीके से डिलीवर हुई है दोस्तों, उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त कॉमेडी होगी, तो आपको हार्ड मैसेज मिलेगा लेकिन कॉमिक के लेयर लगा के। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सारे के सारे एक्टर्स बहुत बेहतरीन हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिकली लोग तारीफ करेंगे वो करेंगे पंकज त्रिपाठी की, सुप्रिया पाठक की, मनोज पावा की। बट मैं यहाँ बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर चॉइस ऑफ एक्टर्स भी बहुत अच्छी है। कृति सैनन मेरी समझ के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उनके जो इस तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंटली अपने डायलॉग्स डिलीवर करती हैं, और एक सीनियर एक्टर के सामने जिस तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स डिलीवर करे हैं, यहाँ पर भी एक काफ़ी मेच्योर एक्ट्रेस हैं दोस्तों। आने वाले समय में आप मेरी बात नोट कर लीजिए, ये एक काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस मानी जाएंगी, हीरोइन नहीं मानी जाएंगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक लड़की है जो कि थोड़ी सी गरीब है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और उसको सरोगेसी के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जाता है पंकज त्रिपाठी से एक फिरंगी फैमिली के थ्रू, और वो बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो जाती है। पहले कुछ रिलक्टेंट होती है और हंसी मजाक की कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, तो डायलॉग बहुत कमाल के। और यहाँ पर डायलॉग्स हैं दोस्तों लक्ष्मण उतेकर के, तो काफ़ी इंप्रेसिव डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं जो आपको काफ़ी गुदगुदाते हैं। और जब उसको पता चल जाता है कि किस तरीके से सरोगेसी चलती है, और किसी भी मैन के साथ एक्चुअली यू डोंट हैव टू स्लीप अराउंड, और बच्चा फिर भी पैदा हो जाता, तो शी अग्रीज फॉर 20 लाख रुपीज। तो वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके का कॉन्सेप्ट है। उसके माँ बाप को यहां पर पता नहीं है, लेकिन वो जब बच्चा पैदा करने ही वाली होती है, अचानक से जो फिरंगी कपल होता है वो मना कर देता है। तो ये स्टोरी में हमें क्लियर हो गया है ट्रेलर के अंदर ही। अब लेकिन उसको बच्चे से प्यार हो गया और उसको इसको पैदा भी करना है, तो उसका जो झोलझाल होता है, कैसे पंकज त्रिपाठी की वो हेल्प लेके बच्चे को पैदा करती है, पूरे कॉमिक सीन से भरी हुई है। जहां पर पंकज त्रिपाठी एक मुस्लिम रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, जैसे हैं हिंदू, तो उनके जो डायलॉग आते हैं नमाज को लेके कि मैं 10 बारी दिन में नमाज पढ़ता हूं, और मैं 2 दिन के बता रहा हूं कि 5 बार से ज्यादा लोग नमाज यूजली नहीं पढ़ते हैं। और जो उनकी गाड़ी है वहां पर जो हिंदी में लिखा हुआ है जबकि वो है मुसलमान, तो उस तरीके की चीजें हैं, तो काफी फनी लग रही है। मैं ये कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि जिस तरीके का मैंने ट्रेलर देखा, फॉर श्योर ये काफी ज्यादा हमें गुदगुदाएगी। काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैसेज होगा, मां की ममता भी दिखेगी यहां पर हमें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लालच भी दिखेगा। और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि सरोगेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर ऐसे कपल्स जहां पर उनको बच्चे नहीं हो पा रहे, और ये कोई गंदी बात नहीं है, ये एक अच्छा कर्म है जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं वूम्ब को, ताकि आपको भी बच्चे की खुशी मिल पाए। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म के प्रो है मेरी समझ के हिसाब से। अगर आपको कुछ और फील होता है, आप कुछ और सोचते हैं, तो कमेंट करके बताइए। बहरहाल मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा, तो मैं इसको दूंगा थम्स अप, और मेरा मूवी शुभी स्कोर रहेगा दोस्तों 8। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय बाय।